क्यों यार? मैं हमेशा से होली पे गाना गाना चाहता था, और ये जब गाना मुझे हिमेज ने सुनाया तो थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट था कि मतलब पता नहीं सर पुल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट हिमेश जी इकलौते एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर है जो मुझसे ऐसा कुछ गवा सकते थे, जिनके साथ मैं शायद ऐसा कुछ गा सकता था, वरना अगर आप सुने तो गाना मतलब मेरे जोन से बिल्कुल बहुत हट करके, मतलब ऐसा इस कैरेक्टर में मेरी आवाज़ सुनी नहीं, और मुझे नहीं पता था लोगों को इतना पसंद आएगा और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे गाने को। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव कंपोजर्स लाइक हिमेश जी, राइटर्स लाइक मनोज जी, एंड अ लेजेंडरी डायरेक्टर लाइक अनिल जी। यार ऑनेस्टली मेरा मानना है काम हिट होना चाहिए, चाहे वो फिल्म का काम हो चाहे वो गाने का काम हो। मुझे लगता है हर चीज़ जो बनती है वो डेफिनेटली अपने अराउंड चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करती है, पर हिट फिल्म तब होती है जब जनता फर्स्ट डे बाहर निकल के बोलती है कि यार अच्छी फिल्म है, और अपने लोगों को बताती है कि आप भी जा कर के फिल्म देखिए। आई थिंक हिंदुस्तान में सिर्फ वो फिल्म हिट होती है जब जिसमें जनता बाहर निकल कर के बोलें कि अच्छी फिल्म है और जाना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक वो मंत्र है इंडिया में फिल्म हिट होने का, और वर्ड ऑफ माउथ एक जेन्युइन चीज़ होती है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आई थिंक इसीलिए हम लोग लकी हैं कि इस लाइन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक बॉस नहीं जज कर रहा, हमारा काम जनता जज कर रही है, और इस लाइन में काम काम बोलता है। यार बहुत बड़ा, मतलब इतना डिफिकल्ट गाना गाना ना मेरे लिए, मतलब इट इज़ नॉट माई स्टाइल बेसिकली। मैं बता रहा हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हिमेश जी के भरोसे मैंने मतलब पार कर लिया, अदरवाइज इस तरह का गाना गा पाना मतलब मेरी इमेजिनेशन नहीं थी इस तरह की गाना गाने की। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इस बार होली में आप लोग मुझे बार बार याद करेंगे क्योंकि आप इस गाने को बार बार सुनेंगे। तो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, और उसके रीज़न है कि हाउ ही इज़ ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। और सिर्फ हिमेश जी नहीं, हर किसी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब एक आर्टिस्ट की ग्रोथ देखती है जनता, उससे एक आर्टिस्ट को फ़ैन मिलता है, उससे एक आर्टिस्ट को स्टारडम मिलता है, उससे एक आर्टिस्ट को इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। वन हिट वंडर्स बहुत सारे आते हैं और पहला सॉन्ग ही बड़ा हिट हो जाता है, लेकिन फिर क्या। सो मुझे हर उस आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और हर उस आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ जिसकी जर्नी है नीचे से शुरू हुई है, फिर एक वो जो रास्ता है, वो जनता को वो रास्ता देखना है, जनता को सिर्फ एक गाना नहीं सुनना, जनता को ये जानना है कि आप क्या करते हो, आप कैसे ग्रो कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट। एंड दैट्स व्हाई रिस्पेक्ट हिमेश जी, बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली गेटिंग बेटर। सो यार जीनियस एक धमाका होने वाला है बहुत बड़ा, और अनिल जी के तो हम सब फैन हैं। गदर का वो जो हैंडपम्प वाला सीन है वो मैं भूलता ही नहीं। सो आई थिंक एक इतने लेजेंडरी डायरेक्टर अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर कमाल दिख रहा है, फिल्म का म्यूज़िक कमाल सुनाई दे रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स हेडेड टूवर्ड्स ग्रेटनेस। एंड मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब हमें देखने का मौका मिलेगा कि हमारी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है बड़े पर्दे पे, और उत्कर्ष और इशिता क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या बात है। यार मेरा मानना है जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब यू नो इवन आफ्टर स्टारडम दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। वरुण धवन ले लीजिए आप, रणबीर कपूर लीजिए, टाइगर श्रॉफ ले लीजिए, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल ऑल्सो। वो सब ठीक है, स्टारडम है, बहुत बड़े स्टार है हर चीज़, लेकिन जब वो सेट पे है तो अपने दो पैरों पे खड़ा और हमेशा अलर्ट है, मतलब वो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, एक जेन्युइन आर्टिस्ट की। और वो ही चीज़ मैंने इन दोनों बच्चों में भी देखी है, इनके अंदर पैशन है कि जब ये काम कर रहे हैं तो काम करते रहें। बस मेरी दुआ है कि
जब बहुत बड़े स्टार बन जाएं उसके बाद भी इसी लगन से काम करते रहे तो आपको कोई छू नहीं सकता। मुझे मेरा मानना है कि मेलेडीज हैं बट उतनी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। मेरा मानना है वंस इन अ वाइल एक गाना आता है और फिर उसके बाद उस गाने को आते ही चले जाता है। सो उसमें भी कभी ऐसा होएगा, फिर एक गाना आएगा वो भी काफ़ी समय हिट होएगा लेकिन फिर चले जाता है, बिकॉज डेफिनेटली वो अगर आप ओल्ड स्कूल चार्म और ओल्ड स्कूल मेलेडीज़ अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो तो नहीं है आज की डेट में। बहुत चेंज हो गया है म्यूज़िक, संगीत अभी हर चीज़ एक छोटे से कंप्यूटर में बन जाती है और हर चीज़ उसमें हो जाती है। तो आई थिंक इस तरह के एनवायरनमेंट में डेफिनेटली मेलेडी थोड़ा सफ़र करती है, बट वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है और फैशन है। पहले बेल बॉटम्स आती हैं, फिर स्लिम फिट्स आती हैं, फिर वापस बेल बॉटम्स आ जाती है, तो वो एक सर्कल है, वो चलता रहेगा। आज नहीं है मेलेडी, कल होगी। आज नहीं है मेलेडी इसलिए तो रिक्रिएशन कर दी हमने इतनी सारी। रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, सोलफुल बेसिकली मैं काफ़ी प्यार मिला है मुझे। बट फिर हम्मा गाया मैंने, इतना बड़ा हिट हो गया, अभी होली ब्रिज में गाया है, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, तो अब सोचूंगा नहीं ज़्यादा कि ये अच्छा है वो बुरा है। जब दूसरे सुन करके समझ पा रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं सोचता कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी मैं हर तरह की चीज़ गान गाऊँगा, हर किस्म का म्यूज़िक गाऊँगा। जैसे हर किस्म का म्यूज़िक सुनता हूँ उस तरह से हर किस्म का म्यूज़िक गाऊँगा। यार एक बहुत बड़ी लिस्ट थी मेरे पास एक्टर्स की जिनके साथ मैं काम करना चाहता था। सलमान खान हो गए, ऋतिक रोशन हो गए, आदित्य रॉय कपूर हो गए, सब मतलब। तो आई थिंक आई एम लकी, लिस्ट छोटी होती जा रही है, नाम उसमें से टिक होते जा रहे हैं कि इनके लिए गा दिया। बट रहते हैं कुछ ऐसे नाम, उनके लिए भी गा चुका हूँ, रिलीज़ होने का इंतज़ार है। आई थिंक गॉड इज़ ग्रेट, मेरे जो कुल देवता है मासू देवता, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो A small boy from Dehradun is able to come here and do all this. So, एक बार अपना song एक बार बोलना है जो आपने जीनियस को दिया। सा रा 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 होली बिरजमा, तुझसे है हम जोली बिरजमा, तू मेरी रम जोली बिरजमा, तुझसे है रंगोली बिरजमा। यार एक सेकंड, एक काम करें, इसका लिरिक्स खोल दूं मैं थोड़ा, दो लाइनें इसकी तरीके से गा। प्रेम के सारे मंत्र रटके, तेरी खोज में दर दर भटके, खोल दे राधा पट घूंघट के, सारा रा सारा रा 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 होली बिरजमा, तुझसे है रंगोली बिरजमा, तू मेरी हम जोली बिरजमा, तुझसे है रंगोली बिरजमा। ये है गाना, क्या बात। थैंक यू, thank you. Cards. Yep. It does. Yeah. Let's go. I'm asking. Yeah. Well, I don't know how to feel. I definitely feel very good, but I'm more excited because people are liking it. People are liking the trailer. People are loving the songs, and I'm amazed by how much they're giving their real love to both of us, and I just feel truly blessed and truly thankful to each one of them. Because you feel that Well, to be honest, I enjoy it because I've been seeing this side of the business, the pressure side of the business, since I was a kid. And I always know that a lot of important decisions have to be made during the course of any film. And these are very high pressure situations. But I enjoy it. I wouldn't have joined this business if I did not enjoy these situations. I relish pressure, I relish
the opportunity to work under pressure, and I think that only gives boost to creativity, because in little time you have to think a lot, you have to create a lot, and I don't mind the responsibility because frankly I love the job, so there's no burden. You know, your experience with Nawaz and Shreya, I mean, you've worked with Shreya, so you're also in your I won't say this is your debut film, but obviously yeah. Well, I've been very lucky to have worked with such fantastic actors such as Sunny sir, Amrish ji, Misha ji, Amitabh Bachchan ji, and so many more, Bobby Deol ji, and in this film I get to work with Nawaz sir, Mithun sir, Aisha ji. These all are fantastic actors and are A plus grade level actors who appeal to the international market as well. So it's a fantastic opportunity for both of us to showcase our talent in such a star-studded film, and the opportunity to work with Mithunda and Nawaz sir is the most incredible opportunity for any actor, because you just get to grow with them so much, especially sometimes when you see them prepare their scenes, prepare their nuances and get into their character. Those things as newcomers you really get inspired by and you want to push your level even higher. You should have one, you have to say it's, this is your debut film, how easy or difficult was it? The overall experience has been really amazing, and it was really great to work with such a great star cast in my debut film, like Nawaz sir, Mithunda and Aisha ji. I learned a lot from them regarding acting and, you know, about the film industry, and even behind the camera I've learned a lot. There was a time, like a day when I was free and, you know, I just did an assistant director's job, and it was really fun learning everything. And another thing was, it was really great working with Utkarsh, who's like an amazing actor and a really great co-star as well. And she's too kind. Yeah, because why not? So yeah, the overall experience has been really great, and I'm really excited for the release now. So your chemistry with Utkarsh while shooting with Utkarsh, vice versa? Well, I'm very lucky to be working with a co-star who has the chubbiest cheeks ever, and she can't do that to me because I don't have those chubby cheeks. Yeah. But difficult to hold. Yeah. And I think we both grew a lot together in this film, and we both were very open-minded with each other. There was a sort of friendliness with each other, so we could tell, you know, each other that you know, this is not good, this is great, this is bad, this is great. Yeah, so like, we were very open with each other, yeah. And so, we enjoyed the process thoroughly, and that left a lot of space for improvisations. And I think people will enjoy our chemistry. Same thing actually. It was really like, you know, I'm really lucky that I got such an amazing co-star in my first film, and someone who's so cooperative. And I actually was kind of nervous, like, you know, how I'll be able to work with a director's son, but no one ever made me feel like an outsider. Like, they all made me feel like I'm home, and they made me feel comfortable, and they treated me as their own family. So another thing is, like, a friendship really, you know, developed really amazingly, and yeah, I'm really glad that it was an amazing experience together, and yeah, I just Well, first of all, I want to thank all of them for all the love that they've given so far, to the songs, to the trailer, to everything. And I want to tell them that this is a complete entertainer. It's for the entire family. So please go and watch it. It's releasing on 24th August. Do geniuses ki ladai hai, jo bahut hi unique hai. And dono hi apne dilon ke liye lad rahe hain. एंड उनके बीच के जो माइंड गेम्स है, हाईलाइट है पिक्चर का, एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, एंड जो रोमांस है वो ज़रूर आपके दिलों को छुएगा. थैंक यू सो मच. सब लोग सर मैम सेंटर. कितने दरवाजा
सर एक एक अभी कोऑर्डिनेट हो गया उनका ना उनके साथ सर एक्सक्यूज मी सब लोग यहाँ सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ही अच्छा ट्रेलर बना है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्या कुछ कहना चाहेंगे जीनियस के बारे में जीनियस दिल की लड़ाई दिमाग से दिल की लड़ाई दिमाग से हर पोस्टरों पे आपने ये टैगलाइन देखी होगी ये आपके दिल को भी धड़काएगी और दिमाग को भी आपके को हिला के रखेगी हाँ अब देखो फिल्म की राइटिंग पे तो समय लगाना ही चाहिए फिल्म की असली चीज़ तो वही होती है फिल्म की राइटिंग पे समय लगना ही चाहिए एक सेकंड होल्ड करो अरे कलीम बाबू ये सबीना और ये बेचारे लोग भी एक जीनियस दिल की लड़ाई दिमाग से ये आपके दिल को भी धड़काएगी और दिमाग को भी दहलाएगी ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि मथुरा वृंदावन में पैदा हुआ ऑर्फन था और बिहारी जी में पला भगवान के पुजारी ने उन्हें पाला और वो जीनियस से आउट 100 out of 100 लाने वाला बच्चा है और ह्यूमैनिटेरियन भी है और आईटी में टॉप करता है रॉ से पिकअप करता है प्यार उसकी ज़िंदगी की आकांक्षा है तो ऐसे एक मल्टी लेयर्ड ये करेक्टर की कहानी है बेसिकली इट्स अ फाइट बिटवीन टू जीनियस वन जीनियस एंड वन अ सुपर जीनियस जीनियस उत्कर्ष शर्मा जिनके किरदार का नाम है वासुदेव शास्त्री और सुपर जीनियस नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो अपने आप में है ही रियल लाइफ में भी और उनका नाम है MRS भाई कहानी तो लिखने में थोड़ा समय देना ही चाहिए कहानी को लिखने में आप समय दोगे तो कहानी ही लोगों के दिल पर इमोशंस लिखेगी तो इसलिए थोड़ा समय लगा मेरे राइटर अमजद अली खान और सरवैया सुनील सरवैया दोनों ने बड़ी मेहनत की थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की ठीक ठाक हो गया कहानी जब लिखी जा रही थी तो सिर्फ कहानी लिखी जा रही थी उत्कर्ष का भी इसमें एज ए राइटर काफ़ी इंटरेस्ट रहा वो यूएसए में पढ़ रहा था फिल्म डिग्री का कोर्स कर रहा था तो मैं उसको भेज देता था एडोब पे वहाँ से वो फाइनल ड्राफ्ट पे करके मुझे भेज देता था तो ऐसा उसके बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी और क्योंकि कहानी एक 16-17 साल के बच्चे से लेके 24-23-24 साल के बच्चे की थी तो डेफिनेटली करेक्टर तो कोई नया फ्रेश चाहिए ही था तो एक्टर चाहिए ही था कोई नया इंडस्ट्री में तो कोई 16-17 साल से 24 साल तक का लग सके ऐसा कोई एक्टर अभी अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली नए कलाकार ढूंढना पड़ता था तो नया कलाकार है तो अगर मेरे घर में मेरा बेटा उसके लायक है तो वाई नॉट हिम वो देखने में भी ठीक है ट्रेंड एक्टर भी है उसने बहुत मेहनत मशक्क़त की है जब अमेरिका से वो वापस आया तो मैंने कहा भाई शुरू करते तो बोले नहीं मुझे एक साल और लगेगा तो मैंने कहा चल तब तक हीरोइन ढूंढता हूँ फिर मैं हीरोइन और स्क्रिप्ट ये सब चीज़ें करता रहा ये होते 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 तो इट्स अ कहानी के हिसाब से उसको हमने सेलेक्ट किया ना कि उसके हिसाब से हमने कहानी बनाई मैम आपको क्या कहना चाहेंगे मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि जीनियस फिल्म जो एक जीनियस डायरेक्टर ही डायरेक्ट कर सकता था हु इज़ बेटर देन अनिल जी बिकॉज मैं असिस्टेंट थी मैंने हीरो फिल्म पे सर के साथ एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी अब ये बहुत ज़्यादा तारीफ करेगी बहुत ज़्यादा नहीं मैं परेशान बता रही हूँ जो मैं आज हूँ ये ज़्यादा तारीफ करती इसकी तारीफ से बहुत परेशान हो जाता बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल जो फ़ैन होते हैं बिकॉज एज ए जो डायरेक्टर है मैं उनकी फ़ैन हूँ और उस वक्त से जब समझ आने लगी थी मैं हीरो फिल्म कर रही थी तो सर के साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ से मेरी समझ बनना शुरू हुई कि एक फिल्म को कैसे पर्दे पे उतारा जाता है कैसे ऑडियंस को किस गहराई के साथ दिखाया जाता है वो मैंने सर से सीखा तो मैं अपने आप को एक लव्य मानती हूँ सर की क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि मैंने उन्हें भी नहीं पता कि मैं सेंसिबल बन गई हूँ उनके बाद फिर मैं इंतज़ार करती रही कि सर मुझे बुलाए काम के लिए और इस प्रोसेस में 8 साल लग गए जब मैं इंडिपेंडेंट बनी तब से आज तक 8 से 10 साल हो गए मैं वेट करती रही कि सर मुझे बुलाए और जब जीनियस में सर ने मुझे बहुत खूबसूरत 2 गाने करने का मौका दिया तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने बहुत अच्छा साबित करने के लिए गाने इसने इतना अच्छा काम किया है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली कलाकारों से और ऐसा नहीं कि मेरे दूसरे कोरियोग्राफर ने बुरा काम किया चिन्नी जी हैं
आदिल है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, पर मुझे कई बार लगता है कि मुझे एक दो गाने और इसे देने चाहिए थे। दैट्स अ प्लेजर, बट या मुझे चिनी मास्टर जी ने बहुत खूबसूरत गाने किए हैं एंड मैं उनकी फ़ैन रही हूँ, हमेशा से उनका काम फॉलो करती हूँ। देखा मास्टर जी, चिनी मास्टर, होली का गाना लार्जर देन लाइफ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत किया। एक क्लब सॉन्ग किया उन्होंने बहुत अच्छा, आदिल ने बहुत अच्छे गाने किए। तो इनके बीच में जब चिनी मास्टर जी का सुना मैंने एंड आदिल इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, तो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना था, मुझे सर को प्रूव करना था कि सर को लग जाए मैं सेंसिबल ठीक ठाक काम कर लेती हूँ। और जो मैंने, सर खुश हुए और उन्होंने गाना देखकर मुझे गले लगा लिया, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं। देखो वक्त बदलता है तो कहानियाँ बदलती हैं, इमोशन वही रहता है, कहानी कहने के अंदाज बदलते हैं और टेक्नोलॉजी बदलती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती है, तो क्यों नहीं बदलेगा। अगर नहीं बदला है तो नहीं बदलता, तो तालाब का पानी या नाले का पानी नहीं बदलता जो सड़ जाता है, समुंदर तो बहता रहता है, नदी तो बहती रहती है। तो फिल्म लाइन तो नदी और समुंदर है, जिसे बहना ही है, बहना ही है और चलना ही है, चलना ही है और हर दिन बेटर होना है। भाई एज ए डायरेक्टर ही पेश आएंगे जब उत्कर्ष, मैंने इतनी 6-7 हीरोइनें लॉन्च की, तो उस वक्त तो ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि आपने उनके साथ कैसे पेश किया। क्योंकि क्या एक्टर है तो एक्टर के साथ ही पेश करना पड़ेगा। और सेट के ऊपर मेरा अपना एक करियर, में 30 साल मैंने अपने करियर को दिए, तो वो उसकी ग्रेविटी भी तो मुझे रखनी पड़ेगी ना, मैं उसको तो स्टेक पर नहीं लगा सकता, दैट इज़ मोर वैल्यूएबल। तो डेफिनेटली, और जब मैं सेट पर होता हूँ तो डायरेक्टर होता हूँ, सिर्फ डायरेक्टर होता हूँ। यहाँ मिथुन दा तो देखिए कमाल के बंदे हैं, दादा के पास मैं गया फिल्म के लिए, दादा ने मेरे से कहानी सुनी, दादा बोले, मैं बोला दादा, बोले मैं करूँगा पिक्चर, मैंने दादा कहानी कैसी है, बोले देख तेरी अगर आज कहानी ठीक नहीं लगती ना तेरे बेटे की फिल्में, मैं आज ही मना करता, तेरे को बनाने नहीं देता, मेरे को कहानी ठीक लगी है तो इसलिए मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा दादा अगर आप, लेकिन आप फिल्म तो ऐसे भी कर लेते हो, ऐसी थोड़ी कभी कभी ऐसी कहानियों पे कर लेते हो, बोले ठीक है वो कभी कभी कर लेता हूँ, पैसे के लिए आदमी कर लेता है, अब इतनी फिल्में हो गई कर लेता है, क्या बुराई है। तो मैंने कहा ये भी तो आपने पैसे के लिए फिर नहीं कर रहे हो दादा, मैं तो मजाक करता रहता हूँ दादा। दादा बोले नहीं, ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तेरा बेटा है और मुझे सुनना इसलिए था कहानी कि तू सही कहानी बना रहा है या नहीं, वैसे तू सही बनाएगा लेकिन फिर भी एक बार सुनना चाहता था कि अगर सही कहानी है या नहीं है। तो मैंने कहा कैसी लगी, बोले एकदम सही कहानी है दादा, लेकिन आप पैसे तो बहुत लोगे, बोले पैसे नहीं लूँगा, जो आप तुम दे दोगे वो ले लेगा, ये बेटे की पिक्चर है, जो तुम दे देगा वो ले लेगा। मैंने कहा ओके दादा, तो इस तरह का उनका एटीट्यूड है। होते ही है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके एग्ज़ाम होते हैं, जो आपने कहा, तो फैमिली पे ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली नहीं सो पाती, बच्चे सो जाते हैं। लेकिन मेरे को इतना प्रेशर एज ए डायरेक्टर इसलिए नहीं है कि ठीक है, मैं तो बहुत सारी फिल्में बना चुका हूँ, ऐसे मौके आए, ऐसे हिट और फ्लॉप दोनों तरह के मौके मैंने झेले हैं, तो ठीक है जो घटना घटेगी रिलीज डेट के लिए छोड़ दो, अपना काम बेस्ट करो, विद द टाइम आई हैव लर्न दिस। सेम थिंग उत्कर्ष ने अपनी पहली फिल्म है, इसीलिए मुझे हमेशा कहता है पापा मैंने अपना काम बेस्ट कर लिया है, बाकी पब्लिक जाने, वो पहली फिल्म में ही ये फील कर रहा है। लेकिन फिर भी एज ए फादर एक नर्वसाहट होती है, एज ए बेटा एक नर्वसाहट होती है कि ऐसा लगता है यार बेटे का करियर है और मैंने उसको फिल्म डायरेक्ट की है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। तो एज ए डायरेक्टर कभी आपकी पिक्चर नहीं चलती है तो उसमें सिर्फ आपका ही स्टेक है और आप ही को तकलीफ़ है, लेकिन जब आपका बेटा उसमें इन्वॉल्व है तो फिर तकलीफ़ दोनों तरफ हो जाती है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तूने बहुत दफ़े इज्जत रखी, इस बार भी इज्जत पिक्चर रख, पिक्चर तो उसने बहुत अच्छी बनवा दी है, लेकिन मेरी ऑडियंस से भी ये कहना है कि भाई आज तक आपने बहुत सारा प्यार दिया उत्कर्ष को, एज ए जीते गदर में प्यार दिया, मेरे को भी बहुत सारा प्यार दिया, अभी थोड़ा बहुत प्यार इस पिक्चर में भी दो, और उस जीते जो कि छोटा सा बच्चा था गदर में, बड़ा हो गया है उत्कर्ष, उसको भी थोड़ा सा प्यार दो। अब सर ये मैं तो अब ये फिल्म सोच के बनाता नहीं कि पाकिस्तान में बैन होगी या नहीं होगी, वो पाकिस्तान की सरकार जाने
उनकी अपनी समस्या है, वो बेचारे अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो जाने मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, अगर वो बैन करें तो अच्छा, ना बैन करें तो अच्छा, वो जाने उनका काम जाने। मैंने तो कह दिया जो मुझे कहना था कि भाई 24 अगस्त जीनियस रिलीज हो रही है, शावर योर लव और उत्कर्ष और इश, और ये जो सबीना जी के दो सबीना जी के गाने आने वाले हैं, तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, बताइए क्या है, और दिल मेरी ना सुने, ये इनका आने वाला है सेकंड गाना, सेकंड वर्जन ऑफ दिल मेरी ना सुने, बस वो भी बहुत आपको दिल को लुभाएंगे, उनको भी बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जीनियस को प्यार दीजिए, जो ओवरऑल जीनियस को प्यार दीजिए। चलो आप सब एक साथ बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं, चलो हाँ बोलो। रोहित, हाँ, दुबई ईद मुबारक हो आप। दुबई सलाम, ईद मुबारक आप सबको। दुबई मैं नहीं बोल पाऊंगा।